हेलो एवरीवन, दिस इज रक्षा जेब एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल जरक क्रिएशन। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ऐप से बेस्ट तरीके का गिलास बनाना सिखाऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो के एंड में एक आप लोगों को चीज़ बताऊंगा और बनाकर दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो एक भाई ने कहा था कि ये आप जो पिक यूज़ करते हैं, ये भाई आप इस टाइप के कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो तरीका मैं एंड पर बताऊंगा। अगर वो भाई देख रहे तो प्लीज़ लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिएगा और कमेंट्स में बता दीजिएगा और अपनी कीमती राय का भी इजहार कीजिएगा। चलिए आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने पिक स्लैब को ओपन करना होता है। यहाँ पर आप नेम टाइप करना होता है। कोई भी आप नेम लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर नेम टाइप करूँगा सारा। सारा नेम लिखने के बाद आपने ए बी वाले ऑप्शन में आना होता है। यहाँ पर आपने आना है माई फॉन्ट्स में। यहाँ पर अपना फॉन्ट्स ऐड करना है। अगर इस जगह पर आप अपनी मर्जी के फॉन्ट ऐड करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो वीडियो जरूर वॉच कर लीजिएगा। जो भी मेरे चैनल पर न्यू सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं, जो ओल्ड हैं उनको तो पता होगा, जिनको नहीं है भाई वो देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं लगा लूँगा ये वाला फॉन्ट, ठीक है। ये वाला फॉन्ट लगाने के बाद आपने करना क्या, पैडिंग कर लेना है। लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग, आपने इसका साइज इंक्रीज कर लेना है। साइज इंक्रीज करने के बाद आपने करना क्या, अब आपने करना क्या है, एक मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर आपने इंपोर्ट करना है एक कर्व शेप, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वाली कर्व शेप जो है ना, मैंने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। आपने इसके मिडिल में ऐड करने के बाद आपने करना क्या, आपने स्ट्रोक में सिंपली आ जाना है। स्ट्रोक आपने ब्लैक कलर में रखनी है और 5 पे रखनी है, ठीक है। अब आपने इसको एडजस्टमेंट कर लेना, जैसे भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया, थोड़ा सा इसको जूम कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर इसको मैंने एडजस्टमेंट कर दिया है। यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के बाद आपने करना क्या, यहाँ तक लग गई। अब आपने करना क्या, आपने आना एक शेप PNG ऐड करना है, ठीक है। तो फ्रेंड, ये वाली शेप मैंने सेलेक्ट कर ली है, इस कर्व लाइंस का और शेप का, ठीक है। लिंक दोनों का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहाँ से आपने डाउनलोड करना है और फॉन्ट का भी दे दूंगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड में ट्रांसपेरेंट ही आपको दूंगा, ठीक है। बाकी आपको भी मेहनत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपने अब आपने करना है कि आपने यहाँ पर आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद आपने इसको एक लेयर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कन्वर्ट ये शेप जो है ना, जिसमें स्ट्रोक ब्लैक है, ठीक है, ये आपने कैप करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने आना है, सर्कल ऊपर ब्लू टेक पर लेकर टॉलरेंस फॉलो कर देनी है। ये देखें, खुद ब खुद कट गया। अब आपने फिर कलर में आना है, सिंपली यहाँ से कलर आपने इसका वाइट कर देना है। अब आपने इसका बैकग्राउंड कर देना है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट करने के बाद सेव एज इमेज पर क्लिक करना है। आपने यहाँ पर अल्ट्रा पे क्लिक करके सेव टू गैलरी कर देना है। अब आपने अडोब फोटोशॉप टच में जाना है। तो फ्रेंड, यहाँ पर अडोब फोटोशॉप टच में मैं आ गया हूँ, ठीक है। आपने प्लस पर आना है, फोटो लाइब्रेरी पर जाना है। यहाँ पर आपने वो फोल्डर ढूंढ लेना है जिसमें आपकी पिक पड़ी है, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी से फोल्डर ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, तो ये वाली वो पिक है, ठीक है, तकरीबन इस टाइप की है। तो उस भाई ने कहा कि भाई आप इस टाइप की पिक कैसे बनाते हैं, ठीक है। पिक बिल्कुल शो नहीं हो रही, ये देखिए कितना प्यारा मतलब लग रही है पिक। यहाँ पर ग्लास वन बनाते हुए बहुत अच्छा लगता है एकदम। तो ये वीडियो के एंड में मैं बताऊंगा कि आपने इस टाइप की कैसे बनाई। जिनको पता है वो उनको तो पता ही पता है, बाकी जिनको नहीं है, उस भाई ने पूछा था, तो फिर मैं वीडियो के एंड पर ये आपको तरीका जरूर बता दूंगा। जब ग्लास वन मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा ये आपने कैसे करना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। यहाँ तक होने के बाद आपने करनी है, ठीक है। इस टाइप की पिक बनाते हुए मैं आपको सारा तरीका बताऊंगा कैसे बनाई जा सकती है, ठीक है। मैं कैसे करता हूँ ऐसा सब, ठीक है। तो आपने फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करना है, एफएक्स में जाना है और लाइट में आना है। एरो को पकड़कर ऊपर ले जाना, इसको फुल ब्लैक कर देना है। यहाँ पर प्लस के साथ जो है एक्नेस पे आना है। यहाँ पर ब्लेंड मूड वाले ऑप्शन में सिंपली स्क्रीन कर देना। अब आपने सेकंड लेयर में आना है, एफएक्स में जाना है, ड्रॉप एंड शेडो में आना है। 125 पे एंगल कर देना है और ब्लर 5 करना है और जो डिस्टेंस है ये 8 कर लेनी है। एड करने के बाद आपने सिंपली यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। पहली लेयर की तरह बिल्कुल प्रोसेस करना है, लेकिन उसका स्क्रीन किया था ब्लेंड मोड और इसका मल्टीप्लाई। आपने थर्ड लेयर में आना है, एफ एक्स में जाना है और बेवल में आ जाना है। बेवल में आने के बाद कलर ब्लैक कर देना है, एंगल 125 पे कर लेना है। डिस्टेंस इसकी जो है ना, ये आप जितनी भी रखना चाहें रख सकते हैं। मैं 30 पे रखूँगा और इसका जो ब्लर है ये भी 30 पे रखना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इसके अलावा आपने यहाँ पर इसको ओके कर देना। अब आपने आ जाना है सेकेंड लेयर में। नीचे आपको मिलेगा ये मैजिक वैन टूल, यहाँ पर आपने मोड प्लस कर देना है। टॉलरेंस आपने आगे पीछे नहीं करनी चाहिए, आपने 30 ही रखनी है, ठीक है। ये 30 रखनी है और कंटिन्यूस की टेक ऑन होनी चाहिए, ठीक है। अब आपने बारी बारी जिस जिस जगह को सिलेक्ट करना है ये वो जगह सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया, यहाँ पर हो गया और यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब आपने करना कि आपने यहाँ पर आ जाना है। ये मैंने एक वाइट डॉट्स ऑन किया है, ये आपको क्लियर तौर पर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। आपने फिल स्ट्रोक में आना है, यहाँ पर फेल पे क्लिक करके कलर आपने रेड कर देना है। रेड कर लिया, रेड करने के बाद आपने डी सेलेक्ट कर देना है पिक्सल। अब आपने फिर इसी लेयर को सिलेक्ट करना है, मैजिक वैन टूल सेलेक्ट करना है। ये जो बाकी नेम बच गया ना, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी में क्लिक कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड यहाँ पर पिक्सल मैंने सिलेक्ट कर लिया, जो हमें कलर चाहिए था रेड फेड वाला वो हमने ऐड कर दिया। बाकी यहाँ पर मैंने पिक्सल सिलेक्ट किया हुआ है। अब आपने करना कि आपने थर्ड लेयर में आ जाना, पिक्सल सेकंड पे करना है और यहाँ पर पेंसिल में आना और यहाँ पर आपका ऑप्शन मिलेगा ट्रांसफॉर्म का, ठीक है। ट्रांसफॉर्म पे क्लिक करके यहाँ पर एक्सपेंड पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ तक होगा -12px, ठीक है। यहाँ तक होने के बाद अब आपने करना कि आपने यहाँ पर FX में जाना है, फोटोज में जाना है और ग्रेनी नाइट में चले जाना है, ठीक है। ग्रेनी नाइट में जाने के बाद आपने इसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस ये आपने अपने हिसाब से रख लेनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको तकरीबन यहाँ पर माइनस कर दी, फिर इस पर मैं ग्रेनी नाइट लगाऊंगा, सॉरी ये ग्रेनी नाइट ठीक नहीं लगा। या अब आपने करना कि आपने FX में जाना है, बेसिक में जाना है और टेंट में आ जाना है। टेंट में आपने कोई भी कलर फ्रेंड रख लेना है। यहाँ पर मैं ये ऑरेंज आपको लोगों को थंबनेल पर दिखाया है, ठीक है, ये वाला, तो मैं यही कलर रखूँगा, ठीक है। इस पर मैं एक दफ़ा फिर टेंट लगाऊंगा। टेंट लगने के बाद अब आपने करना कि इसके बॉर्डर देखना वाइट है बिल्कुल, ठीक है। ये ऊपर भी शेप पर आप कर दीजिएगा। अब आपने फिर करना क्या है, आपने ग्रेनी नाइट में आ जाना है, ठीक है। ग्रेनी नाइट में आने के बाद अब आपने ग्रेनी नाइट इस पर लगा देना है, ठीक है। ये देखना अब ये इफेक्ट लग गया, तकरीबन आपने 62 पे करना है, ब्राइटनेस 0 पे करनी। अब आपने FX में जाना है, फिर आपने वही कलर सेम आपने लगा देना है। अब देखें, ठीक है, अब कितना प्यारा बन गया। अब अपने पेंसिल पे आना, डी सेलेक्ट कर देना है। इस पे आप लाइट वगैरह PS टाइप से भी लगा सकते हैं, पिक्सार्ट से भी लगा सकते हैं। मैंने ये ऑलरेडी तरीका बताया। आपने फर्स्ट लेयर में आना है, ग्लो में आ जाना है, 0.6 जो है इसकी ग्लो रखनी है और कलर वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद आपने इसकी कॉपी करनी है और जो लास्ट इस शेडो वाले की भी अगर करना चाहें कर सकते हैं, मैंने कर दी। आप लास्ट लेयर की कॉपी करनी है और जो कॉपी की इसका ब्लेंड मोड यहाँ से ओवरले कर देना है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ओवरले कर दिया, ग्लास फ्रंट आपका रेडी हो गया। आपने डन पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपने ऐसे पिक कैसे करनी है, ठीक है। यहाँ पर शेयर पर क्लिक कर देना है, सेव टुगेदर, पहले पिक पर क्लिक करना है तो ये सेव हो जाएगा। चलिए मैं आपको तरीका बता देता हूँ जल्दी जल्दी में। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं अपने पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आ गया हूँ। यहाँ पर पिक मैंने ये वाली ऐड कर दी है, ठीक है। ये मैं आपको उस टाइप की बनाकर दिखाता हूँ। आपने करना क्या, आपने आना है टूल्स में। टूल्स में आने के बाद आपने क्रॉप में आना है। यहाँ पर आप कोई भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ बहुत सारी, ठीक है। फेसबुक कवर की है, पिंटरेस्ट पोस्ट की है, ट्विटर की है, आगे यूट्यूब थंबनेल की, ठीक है। यूट्यूब थंबनेल पर मैंने कर लिया। थंबनेल करने के बाद आपने करना कि आपने FX में जाना है। FX में जाने के बाद आपने करना कि आपको यहाँ पर ऑप्शन एक मिलेगा ब्लर का, ब्लर पर क्लिक कर देना, ये ब्लर है, ठीक है। सेटन पर क्लिक करेंगे तो आपने इसका ब्लर फुल कर देना है, ठीक है। ब्लर ये देखना, आपने इसका फॉलो कर देना, ये बिल्कुल उस टाइप की पिक बन गई, ठीक है। आप इस तरह से बिल्कुल इजी तरीका है, मेथड है, इजी, कोई इतना मुश्किल नहीं, आप बना सकते हैं। फ्रेंड आज का हमारा बस ये था। ट्यूटोरियल का वीडियो पसंद है, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।